नंबर 4 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की, आप लोगों को मास दी हुई है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। हम लोगों को क्वेश्चन में जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट हो सकता है, वेवलेंथ हम लोगों को बे पार्टिकल डी ब्रॉगली के बे पार्टिकल ड्यूलिटी वाले इक्वेशन से होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी या कहो एम बी। ये हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एच बाई एम वी। और अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दिया हुआ है तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम बी स्क्वायर में अगर हम लोगों को क्या करें, काइनेटिक एनर्जी के साथ आप मास को मल्टीप्लाई कर दो, तो मास इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसके फॉर्मूला में भी क्या हो जाएगा, आपको मास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इज हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, या आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपको, पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, या पी किसके बराबर हो जाएगा, पी आपको बराबर हो जाएगा ये वाले जो टर्म्स हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसके हेल्प से हमें क्या हेल्प मिलेगी, ये हम इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है उसमें 2 इंटू मास से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी वैल्यू कितनी होने वाली है, हमारी वैल्यू पी के बराबर होने वाली है, उसको अंडर रूट करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू पुट करते हैं, एच की वैल्यू है लैम्डा, फाइंड आउट कर रहे हैं तो 6.626 इंटू 10^-34 जूल के साथ इधर क्या लगा हुआ है, जूल सेकेंड लगा हुआ है। नीचे वाले टर्म्स में क्या करना है, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10^-25 तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10^-31 इसको क्या करना है, अंडर रूट कर लेना है, ये वैल्यू हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इसके लिए वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को वैल्यू, ये वाले वैल्यू को अगर हम लोग चेक करें तो ये वैल्यू हो रहा है आपको 6.626 10^-34 जूल सेकेंड, यूनिट इसका क्या था, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट था जूल में, इसका यूनिट क्या था आपको केजी में था। वैल्यू चेक करें, जूल के बदले हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, जूल को रहने देते हैं, जूल वाले टर्म्स हैं अपने पास, या जूल को रिप्लेस कर सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस टोटल वैल्यू को, और नीचे वाले टर्म्स में हम लोग जूल को सिंपल रिप्लेस करें तो जूल में रिप्लेस होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों को केजी का भी स्क्वायर होने वाला है, यहाँ से एक एक्स्ट्रा केजी और इधर से हम लोगों को केजी मीटर पर स्क्वायर, तो बाहर क्या निकलने वाला है टर्म्स, हम लोग इसके टर्म्स को चेक करते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अपॉन 6 × 9.1 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 6.954 ये वैल्यू हो जाएगा दिस वन 54 × 6 और इस साइड से पावर होने वाला है हम लोगों को 10^6 और ये 56 − 56 यूनिट क्या होगा केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर तो केजी मीटर पर सेकेंड बाहर निकलने वाला है। तो इसके वैल्यू को हम लोग अंडर रूट करें, अंडर रूट 56 इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 56 की वैल्यू होती है 56
54.6 था ना, ये वैल्यू था 54.6, ये वैल्यू हो जाएगा 7.38। सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स डिवाइडेड बाई 7.38 इंटू 10 to the power -28 हाफ पावर होने वाला है kg मीटर पर सेकेंड, और ऊपर वाले टर्म्स हैं कितने 10 to the power -34, और ये यूनिट क्या होने वाला है kg है इधर, आपको मीटर का स्क्वायर है और पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड कैंसिल, kg कैंसिल, मीटर मीटर टू कैंसिल। तो हम लोगों को जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है, इसी टर्म को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी आपको 8 इसके हम लोगों को टर्म्स होने वाले हैं 8 टाइम में, तो ये 8 चेक कर लीजिए, सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स बाकी और कहीं कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 7.38, ये हो रहा है 0. ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये 0.8978, ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों को आ गया। इसी को जब हम लोग सॉल्व किए तो ये वैल्यू हुआ है, और इसके पावर को चेक करें तो पावर है 10 to the power -34 और इधर 2, 10 to the power -6 मीटर। इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा लम्डा इक्वल टू 897, 3 decimal place को इधर शिफ्ट किए, ये क्या हो गया 10 to the power -9, और 10 to the power -9 को ही हम लोग कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, नैनोमीटर में, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 987 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा था, ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट है, अगर हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन देखें, क्या कह रहा है आपको, कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ, दिस वन सिर्फ मास पूछ रहा है आपको, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच, हमें क्या पता है mv। कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन, फिर इसके साथ क्या है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ के साथ अगर हम लोग बात करें तो वेवलेंथ के लिए हम लोगों को लेमडा की वैल्यू है, मास पूछा जा रहा है, वेलोसिटी भी टर्म्स हमें पता होना चाहिए। वेलोसिटी आपको अलग से नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी हम लोगों को फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आपको वेलोसिटी अंडरस्टूड है कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी, तो इसके लिए हम लोग वी की वैल्यू क्या रखेंगे, वी की वैल्यू हम लोग रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। तो मास के लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वैल्यू पुट कीजिए 6.626 इनटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड, और इस साइड आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 3.6 एंगस्ट्रम, कहने का मतलब 10 to the power -10 मीटर। फिर इसके साथ हम लोगों को वेलोसिटी मल्टीप्लाई करना होगा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जूल को रिप्लेस कर दीजिए किसे, जूल सेकेंड को रिप्लेस कर दीजिए आप केजी मीटर, केजी मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से, तो हम लोग इसके टर्म्स को देखते हैं, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, पर सेकेंड को कैंसिल किया इस मीटर से ये मीटर, तो मास हमें केजी में आने वाला है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होने वाली है, वैल्यू 6 से अगर डिवीज़न हो रहा है तो 6 से डिवीज़न हो सकता है 2, 2, 2, फिर उसके बाद अप्रॉक्स में 8 टाइम 2.2
फिर उसके बाद क्या होगा, 08 टाइम। तो इस तरह से हम लोग इसके डिवीज़न देखते हैं और इसमें और भी डिवीज़न करेंगे। तो ये वैल्यू टोटल क्या हो रहा है, आपको पॉइंट में है डिवीज़न, सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स डिवाइडेड बाय 3.6, जो भी वैल्यू आ रही है फिर से इसमें डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 613। इसके लिए वैल्यू क्या हो रहा है, 6135.6135। तो इसके वैल्यू को अगर हम लोग चेक करें, 0.6135 इंटू 10 के पावर को चेक कीजिए, माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 2 क्रिएट करेगा। तो प्लस में 2 को अगर क्रिएट कर रहा है तो बचेगा क्या वैल्यू, -32 kg। ये वैल्यू है इसके फोटोन का, मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू दिस वन। एक डेसिमल प्लेस को और शिफ्ट कीजिए तो मास ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा आपको, 6.135 इंटू 10^-33 kg। बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रॉन के भी मास से ये हमारा मास कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोगों को क्या कह रहा है, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रम। इसमें डिस्टेंस विद इन ए डिस्टेंस कहने का मतलब है कि इसमें डिस्टेंस की एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 0.1 से एरर अगर हम लोगों को डिस्टेंस मेजरमेंट में इससे छोटा इससे बड़ा एरर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। हम लोगों को अगर इक्वेशन चेक करें तो इक्वेशन में क्या कहता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है आपको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपको एच बाय 4π, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। तो अगर हम लोगों को मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या कहें कि इसमें सबसे कम वैल्यू चेक करें तो इसके लिए हम लोगों को डेल्टा एक्स की वैल्यू है कितनी, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 0.1 है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा आपको, 6.626 इंटू 10^-34। 4π की वैल्यू 3.1 होती है तो 4 × 3.18, ये पाई की वैल्यू है, पाई जहाँ भी हो आप 3.18 पुट कर सकते हैं या 22/7 पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू सेम ये वैल्यू है। तो हम लोग इसी को डेल्टा एक्स के लिए बात करें, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1 एंगस्ट्रम कहने का मतलब है 10^-10 मीटर। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो इसके लिए सॉल्व करते हैं, ये जूल में है आपको दिया हुआ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये वाला टर्म्स है आपको, मीटर मीटर को कैंसिल आउट कर देगा, वेलोसिटी हम लोगों को टर्म्स जो होने वाले हैं इसमें हम लोगों को मास से डिवाइड करना होगा। मास से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, डिस्टेंस हम लोगों को माइक्रोस्कोप में हमारे जो टर्म्स हैं ये क्या हैं, माइक्रोस्कोप सुटेबल फोटोन है तो हम लोगों को एटम दिस वन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा या मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 9.1 × 10^-31 kg भी पुट करना होगा, ये वैल्यू kg से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हम लोगों को मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आने वाली है। अब हमारा इक्वेशन ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगा आपको डेल्टा वी 6.626। ये तो ठीक है, पावर को पहले कैलकुलेट कर लें, 10^-34, इसमें 1 है
और ये इससे वन और भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म्स हो जाएंगे माइनस 11, माइनस 11 ऊपर जाने के बाद प्लस 11, ये माइनस 31 ऊपर जाने के बाद आपको प्लस में 31, तो इसकी वैल्यू ये हो रही है। नीचे वाले टर्म्स बचे हुए कितने हैं, 4 इंटू 3.18 इंटू 1 इंटू 9.1। इसी वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या आने वाला है, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू अगर चेक करें तो ये वैल्यू 4 3, ये 12 हो रहा है, 12 9 कितना होने वाला है 100 से अप्रॉक्स में, कहने का मतलब 108, और 100 से अगर 6 में डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम में कटेगा अप्रॉक्स में, हम लोगों को 6 टाइम के ही अप्रॉक्स में कटना चाहिए। तो इसके हम लोगों को इसके टर्म्स को चेक करें, इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो कितना वैल्यू आ रहा है। इसके बहुत सारे वैल्यू हैं इसलिए इसको हम लोग यहीं पे पुट कर रहे हैं। सी की वैल्यू हम लोग इसमें चेक कीजिए, 6.626 इंटू टर्म्स हम लोगों को वन कर दें, ये वैल्यू ये हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू दिस वन, डिवाइडेड बाय 3.18 इक्वल टू दिस वन, डिवाइडेड बाय 9.1, तो वैल्यू आ रहा है हम लोगों को 0.05724। ये सारे कैलकुलेशन का पावर इस साइड आ रहा है आपको 10 to the power 42 में अगर आप 34 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके लिए वैल्यू क्या होगा, 8 पे पावर आएगा। और जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसके लिए वैल्यू क्या हो रही है, फाइनल वैल्यू हम लोगों को 5.7 के अप्रॉक्स में अगर चेक करें तो 2 decimal places हम लोग और सेट किए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हम लोगों को 5.7 इंटू 10 to the power 6, ये किस यूनिट में है, ये हम लोगों को मीटर पर सेकेंड के यूनिट में है। ठीक है बच्चे।